हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों आपको मालूम है गेट 24 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस और डीए का कोर्स होता है और हर साल यहाँ पे हम अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। हमारे स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं और शानदार रिजल्ट जनरेट करते हैं। तो इस बीच में हमारे एक स्टूडेंट और भी हैं जिनका ब्रांच इसी था लेकिन उन्होंने सीएस में पेपर लिखा हुआ है। अभी उदय नायर इनका नाम है जो ट्रिपल आईटी रायपुर से पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएटेड हैं 23 के अंदर में, ड्रॉप लिया उन्होंने, यहाँ पे तैयारी किया और इस साल इनकी जो रैंक है 618 है। तो अदर ब्रांच के बच्चे भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सीएस के अंदर में और अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले उदय आपको बहुत बहुत बधाई। सर आपको भी और आपकी फैमिली को बहुत बधाई कि आपने मेहनत किया और शुरू से था कि आपका कि मुझे सीएस गेट में कुछ अच्छा परफॉर्म कर देना है। तो थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बच्चों की जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कैसे ये पहुँचे हैं। तो अभ्युदय आप के घर में कौन है और कितने लोग हैं और पापा क्या करते हैं? घर में अभी तो चार लोग हैं, मेरे को मिला के पापा हैं, मम्मी हैं और नानी हैं। और पापा जो है बीएसपी में एम्प्लॉई है और मम्मी जो है वो टीचर है, नानी घर पे ही रहती है। तो आप मतलब सिंगल चाइल्ड है? हाँ, आपकी केयरिंग कुछ ज़्यादा ही होती लगता है। हाँ, ज़्यादा ही है। सिंगल चाइल्ड के साथ थोड़ा दिक्कत तो रहता है, प्यार बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो फिर ये हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? सर स्कूलिंग एक्चुअली मेरा क्लास 8 तक जो है वो माइलस्टोन एकेडमी में हुआ था। वहाँ से फिर मैंने डीपीएस भिलाई का एंट्रेंस दिया था 9th में, फिर 9th से 12th मैंने डीपीएस से किया। डीपीएस से साली से आपने कंप्लीट किया? तो डीपीएस साली में जैसे हम देखते हैं वहाँ पे आईटी का काफ़ी क्रेज है लोगों के बीच में और हर एक बच्चा आईटी की प्रिपरेशन करता है, कोचिंग ज्वाइन करता है, तो आपका क्या एनवायरनमेंट था? सर मैंने भी कोचिंग जो थी एक्चुअली ज्वाइन की थी मैंने 9th से, और वो आईआईटी जेई के लिए नहीं की थी मैंने, एक्चुअली एनटीएससी के लिए प्रिपेयर करने के लिए किया था पहले। उसके बाद फिर एनटीएससी होने के बाद फिर केवीपीवाई भी दिया मैंने, दोनों क्लियर नहीं हुआ लेकिन प्रिपरेशन जो मेरी थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की वो पहले से ही चालू हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने 11th में जेई की प्रिपरेशन चालू की थी। अच्छा, हाँ। तो जेई में आपका कितना था? जेई में मेरा 94% आया था। तो ट्रिपल आईटी रायपुर फिर आपने चूज़ किया? हाँ। इसमें आपको सीएस नहीं मिला? हाँ, सीएस नहीं मिल पाया था, इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर मैंने एडमिशन लिया। ले लिया आपने? सोचा था कि मतलब फर्स्ट ईयर में चांस मिलता है कि सीएस में चेंज कर सकते हैं। हाँ, वो रहता है। तो फिर आप जैसे आपका इसी ब्रांच है और आप सीएस में आपको गेट देने का मन कब हुआ, कैसे पता चला कि हमें देना चाहिए, मतलब क्या सोच के आप गेट सीएस की तरफ आए? सीएस का एक्चुअली क्लास 10 से ही मेरा एक्चुअली कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था। क्लास 10th में मेरे को अच्छे से याद है कि HTML का एक प्रोजेक्ट मिला था हम लोग को करने के लिए, तो वो HTML का प्रोजेक्ट मैंने अकेले बनाया था, नवरात्रि के ऊपर बनाना था वो, तो पूरा वेब पेज वगैरह सब डिज़ाइन किया था। तो उस टाइम से मेरे को इंटरेस्ट था इसमें और फिर उसके चलते मैंने 11th में फिर मैथ्स के साथ CSE लिया था। और फर्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा ही डीमोटिवेट हो गया था कि क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। HTML का सोच के ज्वाइन किया था सीएस, लेकिन एक्चुअल में जब कोडिंग देखी मैंने तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था। अच्छा। और फिर मैंने घर पे आके मम्मी को भी बताया कि नहीं हो रहा है मेरे से, तो मम्मी ने बोला कि एक हफ्ता ट्राई करो, क्या पता कुछ दिन ट्राई करने के बाद वो आ जाए। हाँ, हो जाता है। सही बात है। तो फिर वैसे ही करके मैंने टाइम दिया उसको, तो उसके बाद फिर वो धीरे धीरे उसमें भी मज़ा आने लगा। तो उसके बाद से फिर मेरा मन था कि सीएस में ही कुछ करना है। तो गेट की तरफ फिर कैसे आए आप? गेट की तरफ मुझे फ्रेंड्स के थ्रू ही पता चला कि आईगेट है, यहाँ पे गेट की प्रिपरेशन कराते हैं। और सपना तो था ही कि आईआईटी जाना है और वहाँ पे सीएस ब्रांच में एडमिशन लेना है, तो उसके चलते फिर यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। ओके। तो फिर आपकी जर्नी कैसी रही? अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे प्रिपरेशन करते थे, किस ऑर्डर में सब्जेक्ट को कंप्लीट करते थे आप, कितना टाइम देते थे आप, सिलेबस कब तक कवर किया आपने? प्रिपरेशन तो मैंने 4th सेमेस्टर से ही चालू कर दी थी और कॉलेज के चलते मेरे को कभी प्रॉपर टाइम ही नहीं मिला। हमेशा ऐसा ही हुआ कि एक सब्जेक्ट चालू किया, पहला टॉपिक हुआ, उतने में फिर कोई प्रोजेक्ट आ गया कॉलेज में, तो फिर उस पर ध्यान चला जाता था। फिर यही साइकिल रिपीट होते रहे कि
फिर एक नया सब्जेक्ट चालू होता था, फिर मेरा कोई प्रोजेक्ट आ जाता था कॉलेज में, फिर वैसे ही छूट जा रहा था बार बार। तो ऐसा करते करते फाइनल ईयर तक ऐसे ही चला मेरा, प्रिपरेशन उतने अच्छे से हो नहीं पाई। फाइनल ईयर में भी मैंने जो अटेम्प्ट दिया था उसमें सिर्फ क्वालिफाई कर पाया था, 35 कुछ आए थे मेरे मार्क्स उसमें भी, 8000 कुछ रैंक आई थी फाइनल ईयर में। तो उसके बाद फिर मैं सर से मिलने आया था कि सर मतलब एक कॉन्फिडेंस तो था ही कि मैं क्लियर कर लूँगा, कॉलेज के प्रेशर की वजह से वो मैनेज नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा सब्जेक्ट प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया। हाँ, और मेरा सब्जेक्ट भी दूसरा था, मतलब ब्रांच मेरा अलग था, तो इसलिए वो साथ में मैनेज नहीं हो पाया। मतलब कॉलेज का बर्थडे अलग था और कुछ गेट में तो अलग ही सब्जेक्ट हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए फिर मैंने ड्रॉप लिया था। ड्रॉप लेने के बाद फिर मैंने सारे सब्जेक्ट्स फिर से एकदम न्यू स्लेट की तरह चालू किए, सी से चालू किया। वैसे फिर सी के बाद डीएस आता है, डीएस के बाद एल्गो आता है। तो आप ऑफलाइन मोड में थे कि ऑनलाइन के अंदर में थे? ऑफलाइन में भी मैंने एक महीने दो महीने कुछ कुछ क्लासेस की, उसके बाद फिर एक्चुअली घर से बहुत दूर पड़ जाता था तो फिर मैंने ऑनलाइन में सारे लाइव लेक्चर्स अटेंड किए। और सर के साथ साथ और अलग से भी, मतलब मेरा स्पीड बढ़ाने के लिए सर के ऐप से मैंने सारे बाकी जो सब्जेक्ट्स बच रहे थे वो कवर करने का ट्राई किया था। तो आईगेट का ऐप आपको कितना हेल्प किया? आईगेट का ऐप ही, ऐप के वजह से ही मेरा जितना जो शॉर्ट पीरियड में प्रिपरेशन हुआ है वो हो पाता। सिर्फ लाइफ के अगर भरोसे रहता तो शायद ड्रॉप ईयर में भी मेरा कुछ नहीं हो पाता। हाँ, रिकॉर्डेड का एक बेनिफिट है, एडवांटेज है कि आपने स्पेस में अपने टाइम में आप जल्दी से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप तेज़ी के साथ सिलेबस कवर करके रिविज़न में जा सकते हैं, PIQ में जा सकते हैं, टेस्ट में जा सकते हैं। तो कब तक सिलेबस आपने कवर कर लिया था? सिलेबस तो मेरा इस बार भी कवर नहीं हो पाया था, दो सब्जेक्ट बच गए थे, एक कंपाइलर डिज़ाइन बच गया था और एक एल्गोरिदम बच गया था। उसके अलावा जो पूरा सब्जेक्ट्स थे वो मेरे ऑलमोस्ट दिसंबर तक पूरे ख़त्म ही हो गए थे। फिर टेस्ट देना कब से स्टार्ट कर दिया? January 1st से ही मैंने चालू कर दिया था। और रिविज़न का क्या प्लान रहता था? रिविज़न का सर मैंने ऐसे क्लास नोट्स के थ्रू रिविज़न करने का नहीं ट्राई किया। मैं क्या करता था कि मैं PYQs ही बनाता रहता था, तो PYQ के थ्रू जो है वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आते जाते रिफ्रेश हो जाते हैं। हाँ। और कितनी बार PYQ बना लिया आपने? PYQ सर मैंने हर सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट दो बार तो बनाए होंगे। आप कुछ बोल रहे थे? आप? हाँ, मैं बोल रहा था कि PYQ के थ्रू क्या है कि जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं टॉपिक्स वो बार बार आते रहते हैं, तो आपको एक पता रहता है कि कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। किस पैटर्न के पूछे जा रहे हैं? हाँ। दोनों चीज़ें क्लियर। PYQ बिल्कुल आना चाहिए, हमें पैटर्न का पता चलता है, डिफिकल्टी लेवल का पता चलता है और क्वेश्चन उसी टाइप के बनाए जाते हैं आगे। तो इस साल जब आपका कोर्स कम्प्लीट हो गया, आपने टेस्ट लिख दिया, तो कैसा लग रहा था? आपका जो टेस्ट लिख रहे थे आप, तो उसमें एक मिनिमम मार्क्स क्या आ रहे थे और मैक्सिमम मार्क्स क्या थे? पहला टेस्ट जो दिया था उसमें तो 40 मार्क्स आए थे मेरे, तो अच्छा लगा था कि क्योंकि सुना था मैंने कि पहले टेस्ट में बहुत कम आते हैं जनरली लोगों के मार्क्स, तो 40 मार्क्स आए तो एक कॉन्फिडेंस था कि कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद फिर जब टेस्ट देते रहा तो 40 के आसपास ही मार्क्स आ रहे थे, कभी कभी उसके नीचे जा रहे थे। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि टेस्ट में मार्क्स कम ही आते हैं और जो प्रोग्रेस रहता है वो कभी लीनियर नहीं रहेगा, कभी कभी आपके मार्क्स नीचे भी जाएंगे, कभी उतने ही रहेंगे। तो उसमें डिमोटिवेट नहीं होना है, वो लगे रहना है, वो धीरे धीरे बैरियर टूटता है और फिर सीधा एक जंप मारते हैं मार्क्स। सही है, आपको लगे ही रहना है, लास्ट तक लगे रहना है, रिविज़न करते रहना है, PIQ बनाते रहना है और टेस्ट प्रॉपरली देते रहना है, ये सब तो प्रोसेस है, लगे ही रहना पड़ेगा। तो जिस दिन आप पेपर देने गए उस दिन आपके माइंड में क्या चल रहा था? माइंड में तो कुछ नहीं चल रहा था सर, मैं शांति रहता हूँ हमेशा। हाँ, तो जैसे इस जर्नी, लंबी जर्नी थोड़ी सी थी आपकी, इसमें बहुत बार आप डिमोटिवेट हुए होंगे और मन भी नहीं लग रहा होगा, यार पता नहीं करूँ या ना करूँ, तो कैसे अपने आपको वापस ट्रैक पे ले आते थे? डिमोटिवेशन ऐसा सच नहीं हुआ था मेरे को, लेकिन पढ़ने का मन जो है वो कभी कभी नहीं करता है, क्योंकि मेरा केस बता सकता हूँ कि मेरे बैक ऑफ द माइंड यही रहता था हमेशा कि बहुत टाइम है, कर लेंगे कर लेंगे। लेकिन फिर सर का भी बीच में एक बार एक वीडियो आया था जिसमें सर ने पूरा एनालिसिस किया था कि इस जर्नी को कवर करने कितना टाइम लगेगा, कि पूरे लेक्चर्स करने में कितना टाइम लगेगा, PYQ बनाने में कितना टाइम लगेगा, टेस्ट करना है, टेस्ट का एनालिसिस करने में कितना टाइम लगेगा। तो जब पूरा सामने दिखा रियलिटी, तब पता चला कि टाइम ही तो नहीं है, बाकी सारे रिसोर्सेज अपने पास है। तो टाइम तो लगता है, मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि टाइम नहीं लगेगा। मतलब आपको दिन रात लगे। आप कितने घंटे डेली पढ़ते थे जब आपने ड्रॉप आउट लिया था? तो
मैं 6 से 8 घंटे ही पढ़ा हूँ, उससे ज़्यादा तो कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन फिर आखिरी में जब दिसंबर जनवरी आ जाते तो अपने आप ही फिर 10 घंटे होने लग जाते हैं। 10 घंटे 12 घंटे हो जाते हैं। तो पेपर जब दे के निकले तो आपको कैसा लगा कि इस बार तो हो ही जाएगा? हाँ, पेपर दे के जब निकला तो एक कॉन्फिडेंस था कि अच्छा ही गया पेपर। और बाकी लोग एक्चुअली जनरली 2 बार मैं और दे चुका हूँ पेपर, तो एक बाहर निकलते टाइम एक चहल पहल रहती है, वो इस बार नहीं थी। तो उससे मेरे को लगा कि बाकी लोग का पेपर उतना अच्छा गया नहीं है, तो उससे भी एक कॉन्फिडेंस मिला कि मेरा शायद अच्छा गया इस बार पेपर। और रिजल्ट आया और आपने देखा कि आपका रैंक 618 है, कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा सर, फाइनली मतलब ड्रॉप लेना भी मेरा वर्थ रहा, वो पता चल गया तो बहुत अच्छा। घर वाले पे कैसा फील किए? घर वाले तो खुश हैं, लेकिन एडमिशन होने के बाद ही ज़्यादा खुशी होंगे। थोड़ा सा बीच में मामला फंसा हुआ है, बीच में फंस गया। ठीक है, देखो इस पे तुमको टॉप NIT 101% मिलेगा। ठीक है, IIIT अभी हैदराबाद का एग्जाम है, उसको भी तुम फाइट मारो, निकल जाएगा वो। वो भी कॉलेज बहुत अच्छा है, IIT के बराबर का कॉलेज है, तो लगे रहना पड़ेगा आपको। बाकी जगह तो आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इवन एक कुछ कोर्सेस होते हैं ITs के अंदर में, उसमें भी आप जा सकते हैं। मैं ये बोलूँगा कि मेरे से पूछेंगे आप तो आप फॉर्म तो सभी जगह डालिए, मालूम नहीं रहता कब कौन से अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिल जाएंगे। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि अभी DA आ रहा है तो DA में भी हर जगह सीट बढ़ रही है। AI भी है आपके पास में है, उसकी भी सीट एक्स्ट्रा आ जाएगी, मतलब आप मतलब बेनिफिट तो होगा इस साल। ठीक है, वेट करते हैं, रिवाच करते हैं और लगे रहते हैं और साथ में देखते हैं कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी अपने को मिलेगी। आपके जूनियर्स आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस तो यही देना चाहूँगा कि जैसे सब ने ही बोला होगा कि आपको नोट्स बनाना है, PYQ करना है सॉल्व, उसके बाद फिर टेस्ट जो है उसमें प्रॉपर टेस्ट देना है और एनालिसिस करना है, और डीमोटिवेट नहीं होना और कंसिस्टेंट रहना है बस। कभी ये मत सोचना कि बहुत टाइम बचा है, कर लेंगे, हमेशा प्रिपेयर रहना है कि एग्ज़ाम आ रहा है तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करते रहिए और लगे रहना है जैसे सर बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबको लगे रहना है। तो बच्चों सभी लोग लगे रहिए और जी जान से लगे रहिए, 101% आपको सही टाइम में सही सक्सेस मिलेगी। आप इन सभी सीनियर से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी का भी नंबर आपको कभी चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आपको सबको मिल जाएगा। और गाइडेंस लीजिए इनसे, अपनी लाइफ को सही समय पे सही जगह पे सक्सेस करिए। तो आपको बहुत बहुत मैं बोलूँगा ऑल द बेस्ट कि आने वाले वक्त में आपको जो सक्सेस है वो मिले, अच्छी जगह पे एडमिशन हो, और आपको यहाँ के सीनियर्स आपको गाइड करते रहेंगे और हमारा साथ तो हमेशा ही है आपके साथ में। बच्चों आपको भी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।